शिव महापुराण कथा सातवें दिन में शिवरात्रि के व्रत का महत्व का वर्णन। दशनामी अखाड़ा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवरात्रि के पावन पर्व पर महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी उत्तम गिरी जी व महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी के आशीर्वाद सदका शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें कथावाचक पंडित अमरजीत शास्त्री जी बहुत मधुर आवाज के साथ गुणगान प्रतिदिन 4:30 बजे से कर रहे हैं। उन्होंने आज सातवें दिन की कथा में बताया कि शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं और प्रत्येक श्लोक में हमें प्रभु मिलन व हमारे जीवन के महत्व से भी जागरूकता देते हैं। उन्होंने शिवरात्रि व्रत की भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आज की कथा में संस्कृत विद्यालय के छात्रों व बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण कर आनंद लिया। कथा उपरांत आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। आओ दिखाते हैं कथा के कुछ अंश। कैमरामैन आकाशदीप के साथ चंद्र नागपाल की विशेष रिपोर्ट। शुभ स्थान है, गुरु स्थान है, जहाँ पर सिद्ध समाधियों की अत्यंत कृपा है, जिनकी कृपा से आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। और गुरुओं को जो संग है, गुरुओं का संग एक बार मिल जाए ना, गुरुओं को संग एक बार मिल जाए तो इस दुनिया में आना जाना नहीं रहता। फिर हाँ, फिर गुरुदेव अपने पास ही रख लेते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। धनवारा तो मन बारा, समझ ना आवे रज की शंकर भगवान के, सद्गुरुदेव भगवान के, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य सतगुरुदेव महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले शंकर भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि श्री दशनामी अखाड़ा में शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, उसका रसपान करने के लिए सभी इस कथा में आ रहे हैं। कथा में बहुत आनंद आ रहा है, जो सभी कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव ही सर्वत्र हैं और सबके परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, सृष्टिकर्ता हैं, यही पालन करने वाले हैं, यही संहार करने वाले हैं, सब कुछ करने वाले यही हैं। तो हम आपसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आज भगवान शिव की कथा में गणेश जी महाराज जी का, कार्तिक जी का जन्म हुआ, उनकी कथा कही गई, तो कल के दिन शिवरात्रि है, आप सभी भगवान शिव के लिए व्रत करें, क्योंकि ये उत्तम व्रत कहा गया है। सभी व्रतों में बलवान व्रत है शिवरात्रि का। आप सभी व्रत करें और भगवान शंकर का जो आशीर्वाद है उसे प्राप्त करें। और जो कथा का समय है वह 4 से 6 है, कल भी कथा होगी, आप सभी कथा में पहुँचें। गुरु जी का बहुत आशीर्वाद है जो यहाँ पर श्री दशनामी अखाड़ा में 4 बजे से 6 बजे शाम को जो कथा चलती है शिव महापुराण की, जिसका आज 8वां दिन है, तो आप सभी इस कथा में पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोल शंकर भगवान की जय। आप सभी को ये भी सूचित किया जाता है कि कल शिवरात्रि वाले दिन श्री दशनामी अखाड़ा में जो शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा की जाती है वह की जाएगी, आप सभी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। आप आइए और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बोल शंकर भगवान की जय।